बीवी दोनों बैठा सीधे भरकटा बाजार जाके ठेला के सामने गाड़ी रोका, ए फल वाला बढ़िया क्वालिटी फल ससुराल जा रहे हैं, एक किलो पेक पेक, जिंदगी में घर नहीं लाया एक किलो सेब माँ के लिए, ससुराल जा रहा सास के लिए एक किलो सेब पेक, भाई साहब 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तो बीवी पीछे से कहती है, बोले हमर मैया सिंगाड़ा खाओ, बोले 10 गो सिंगाड़ा पेक सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमर मैया माटी खाओ, बोले टोकरी माटी पेक। बीवी जो कहते लड़का पागल। अरे भाई, हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। और गाइस आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जिसके लिए बहुत भाइयों ने कमेंट करके रखा हुआ है। तो हमने देखा इनके अक्सर वीडियोस थोड़े कॉमेडी टाइप हैं, हंसी वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा बनाया जाए ताकि लोगों का भी माइंड फ्रेश हो और हमें भी मजे आए सीखने। जरूरी नहीं कि हमेशा ही जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी बात करी जाए, कभी कभी हंसना भी बहुत जरूरी है। तो जो स्कॉलर हैं जो कि बोलते हैं, उनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिद्दीक हसन झारखंडी। उनका तकरीर है, सासू माँ के लिए एक किलो रसगुल्ले पैक। ऐसा तो मतलब सासू माँ को लेके कुछ ना कुछ तो है भाई इसके अंदर। तो देख लेते हैं क्या सब है, क्योंकि थोड़ा फनी थंबनेल बना हुआ है। तो आप भाइयों का थैंक यू जिन्होंने भी हमें रिकमेंडेशन दिया। आपके और भी पसंद की वीडियो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहु बेटियाँ पर्दा नशी खवातें इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, खाना पकाने वाले मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खाना पकाने वाले मुसलमान वो कह रहे हैं ना कि औरतें बैठी हैं मजे लेने वाली, और वो बहुत अच्छा आप लोग बैठे हैं माशाल्लाह। थोड़ी देर चूंकि खाने पीने का मसला है, इसका ख्याल बहुत ज़्यादा है, लेकिन करूं क्या, मजबूरी है, ना बोलूं तो जाऊं कहाँ, 162 किलोमीटर चल के आया है। अरे भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह, वीको थोड़ा घटा दीजिए, आपका बाजा अति उत्तम है, सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल सब है, वीको कम वॉल्यूम ज़्यादा, मेरी हैसियत से वीको घटा के रखिए और मेरी औकात से वॉल्यूम बढ़ा के रखिए ताकि तकरीर समझने में प्रॉब्लम उत्पन्न। आए थे यहाँ याद नहीं, इधर देखिए, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सही बात है, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो करगा अपील, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, क्योंकि जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। सही बात है, कर्म से होता है सब कुछ, फितरत पे न नूरी है न नारी है। साहेब खाना ने मिल के अपने वालदे मोहतरमा मरहुमा मकफूरा के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम है ना, मिंजानी बहुत सारे हैं, सिद्दीक साहब, दुलगफूर साहब, मोहम्मद जलील साहब और दीगर साहब है ना, मोहम्मद नासिर साहब, मोहम्मद हसीब साहब और कौन कौन है, और ये कौन है, नसीम मोहम्मद, बहुत सारे सब भाइयों ने मिल के अपने माँ के नाम जलसे चहल्लुम का ये प्रोग्राम। देखिए जब माँ बाप घर में हो और जिंदा हो, घर में हो जिंदा हो, बेटा बेटी जो भी हैं आप, उनके खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, ठंडा आए तो कम्बल रजाई तैयारी, गर्मी आए तो पंखा तैयारी, बरसात हो तो छतरी तैयारी, मतलब जब जिंदा हो तो खिदमत कीजिए, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे साले सवाब कीजिए, यही औलादों का हक बनता है। जब तक जिंदा हो खिलाइए पिलाइए, चूंकि एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, एक दिन सबको दुनिया छोड़ देना होगा, जितने लोग बैठे हैं 30-40-50 साल होते होते सब साफ फिर यहाँ दूसरा आएगा, मरना होगा हर हाल में,
मौत से बच ही नहीं सकते हो, मौत आएगी हर हाल में। सही बात है, मरना होगा चाहे फ्रिज में घुस जाओ लेकिन मौत फ्रिज से खोल के निकाल के ले जाए, अंदर गद्दा नीचे छुप जाओ, मौत खोज के निकाल लेगी। घर से छोड़ के जाके खेत बहियार में सुतो, मोहा मौत खोज के लाएगी। हिंदुस्तान छोड़ के अरब चले जाओ, पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं जाओ, मौत जिस दिन होगी मौत आ जाएगी। और दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। बहुत सही। तो जब मरना ही है क्या हजरत, जब मरना ही है, एक दिन दुनिया छोड़ना ही है, तो फिर क्यों ना मौत की तैयारी करना है। जैसे ठंडा आएगा, हर साल ठंडा आता है, आना है जनवरी दिसंबर में ठंडा आना है, तो जब ठंडा आएगा तो रजाई कमल की तैयारी पहले कर लो, वरना जाड़ में मरेगा। बात तो सही है ना, जब ठंडा आएगा तो तैयारी पहले, बरसात से पहले तैयारी रखो, गर्मी से पहले पंखा जुगाड़ करके रखो तैयारी, ताकि इत्मीनान हो। जैसे बोलने से पहले बजा तैयारी, फूल हार बनाने से पहले फूल की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी तो मौत से पहले मौत की तैयारी इनके लिए करना क्या होगा। जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर चला जा, मसल्ले पे जाके सजदा कर ले, मस्जिद से निकल के घर घुसो, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, उलमा के से मिलो तो मोहब्बत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, कुरान रखते हो तिलावत कर लो, समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। सही बात है। मौत आएगी लेकिन मौत की दुआ मत मांगना, जिंदगी की दुआ मांगना। ए मौला मेरी उम्र और लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सके। आजकल एक दो बूढ़ा पूछिएगा, चाचा सब घर में ठीक ठाक है? बोल हाँ मौलाना साहब सब ठीक ठाक है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग को उठा ले। एकदम झूठे। अच्छा कोई मरना चाहता है? कोई नहीं चाहता। देखो बूढ़ा पूछे, हाँ चाचा घर में सब ठीक ठाक हो कि ना हो? और अल्लाह से दुआ कर लिए मौलाना साहेब कि हमने के जल्दी उठा लेना ठीक है। तो हम बोले चाचा कितनी जल्दी उठना चाहते हैं? 6 महीना से बोल दुआ कर रहे हैं हजरत, देखिए अब अल्लाह कब कबूल करता है। हम बोले चलिए मेरे साथ चाचा, ट्रांसफार्मर सामने 11,000 में हाथ उठाइए, धाई से दुआ कबूल, सीधे नोम। बोले हजरत बड़ी डर लगता है। बोले फिर मुँह का चिकनाता, फिर मुंह का चिकना था कि मरना है। मौत की दुआ मत मांग, मौत की दुआ मांगना हराम है, जिंदगी की दुआ मांग। हे मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सको। नाका के बिन देखे उनके नाम पे गलियों को सजाता रहा, घरों को सजाता रहा, नबी से मुलाकात ना हुई, नबी पे दुरूद पढ़ता रहा, नबी से बात नहीं हुई, नबी पे सलाम पढ़ता रहा, उसी आका की कब्रों में दीद होगी हम सुन्नी गरीब की उसी दिन। अरे बहुत सही। ये लोगो मौत हर हाल में आएगी, माँ बाप जिंदा हो अभी वक्त बचा है, खिला पिला लो, अभी टाइम है, अभी खाना उना खा रहा है, अभी लाके बेटा दो चार है, नाती पोता है, जब जरूरत पड़े मोड़ तरफ जाओ, बाजार तरफ भरकट्टा तरफ देखो कि कुछ मिल रहा है, लाके बाप को हाथ में दे दो, माँ के हाथ में दे दो, माँ गरम गरम कुछ मिल रहा था खा लीजिए, दुआ कीजिए हम कल परदेश जाएंगे, माँ तेरी दुआ साथ जाएगी, माँ मुसीबत टल जाएगी। अभी खिला पिलाने के टाइम है क्या, लेकिन हम लोगों का सिस्टम अलग। जब माँ बाप खाते पीते रहेंगे तब तक ना बेटा का ध्यान, ना बहू का ध्यान, ना दामाद का ध्यान, ना बेटी का ख्याल, न क्या कहते हैं नाती पोता ख्याल। जिस दिन खाटी पकड़ लिया उस दिन रस मलाई, खाना बन रसमलाई, बेटा ले लेके दौड़ रहा है, 3-4 बेटा है, दामाद लेके आ रहा है सेब, बेटी एकदम मुर्गी जबा करके शोरबा है, एकदम रोटी चार है।
बुलवा टुकुर टुकुर खाली देख रहा है, बापा के सामने खड़ा है, बाबा ए बाबा हम बड़का ही बाबा पहचान नहीं है। अब बेटा खाली चुपचाप बाप देख रहा है, ये रसमलाई है बाबा, जरा सा मुँह खोल ले 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 बाबा ले ले। अब बुढ़वा आ आ आ आ गया रसमलाई हाथ बुढ़ाई ऊपर खिला नहीं पाया, खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया, और जब मुंह बंद तो रसमलाई, इधर सेब इधर अंगूर यहाँ फल यहाँ दूध यहाँ और गुलगुल्ला रसगुल्ला भी बोल रहे हैं। लगता फल के गोदाम का यही मार्जिन का कंपनी, कुछ दिन बचबो करता वो फल दे दे के बुढ़वा को ही मर जाता। या अल्लाह ये फलवा पहले होता बेटा तो खाबो कर, अभी सास जिंदा है बहू ख्याल कुछ नहीं, कोई नहीं बहू पर ध्यान, कहाँ नहाई कहाँ गर्म पानी कहाँ बैठी कोई। जिस दिन सास खाटी पकड़ ली उस दिन तमाम बहू एकदम दौड़ते दौड़ते दूध लेके एकदम कटोरी लेके एकदम यौटाल दूध, अरे बाप मैया ए माँ हम छोटकी हो माँ। बुढ़िया बेचारा चुपचाप बुढ़िया देख रही खाली मुँह में देखती है, माँ थोड़ा मुँह में खोल ले मैया ले 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 ले। अब बुढ़िया आ आ आ आ डूबी हाथ है बूढ़ी ऊपर कटोरी हाथ में नहीं खिला। अच्छा एक दो गो बहू जबरदस्ती पिला देती है, अब दो चार दिन बेचारी मचबो करती एक बक एक मर गई, अब दूधवा जबरदस्ती दे देगा क्या कर गया सांस रुक। सही बात, उसकी बहू पूरे गाँव में चर्चा, ए दीदी हमरे दूधवा पिक मर लो, दीदी हमरे हाथ हाथ पिल को अल्लाह रू निकल गए लो, हम बोले मर लो न तू जग बको मर दिली। अभी खिला पिला तो वाले याद रख, माँ बाप घर में जिंदा है तेरे लिए दुआ की गारंटी है। अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, बरेली बाद में जाना, पीलीभीत बाद में जाना, कल बगदाद बाद में जाना, मक्का मदीना बाद में, पहले घर में आके देख अगर माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर चेहरा देख मोहब्बत कर उसे प्रेम कर चेहरा देख के फिर घर से निकल तब जाके अजमेर जाना। अगर तेरे माँ बाप तेरे घर पर राजी है अजमेर की धरती जाओगे अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। बहुत बढ़िया, अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। एक बात बोलियो की हो, अरे बोल दियो एक बतवा की तोर बस्ती हम दस्ते क्या गाछ हो की हो, बिहार में हो रही है शायद, बिहारी लैंग्वेज बोलने थोड़ी बहुत अच्छा है क्या हमारे साथ, हमारे जितने शोरा खुतबा बैठे हैं ना माशाल्लाह कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा पढ़ते हैं, बड़े बड़े जलसा पढ़ते हैं, और वक्त दामन गिर नहीं वक्त गर्दन गिर है, खाने पीने का मसला है। हमको तो अफसोस लगा कि इतनी देर तक खाया नहीं, सही बता रहा हूँ, ये मियाँ बीवी दोनों बैठा सीधे बरकटा बाजार जाकर ठेला सामने गाड़ी रोके, ए फल वाला क्या से क्या हो क्वालिटी फल ससुराल जा रहे हैं, आप लोग मोहब्बत कब तक बैठे हैं, बाप दादा पुराना जिंदगी घर नहीं लाया एक किलो से खाना नहीं वहाँ जाना ससुराल जा रहा सास के लिए एक किलो से फेक हासुखी मिलाद कीजिए चंगेर 200 रुपया मलाई चम चम खाली चुप चुप भाई मिला दे चुप चुप तब तो बीवी पीछे से मिला दे बोले हमर मैया सिंगाड़ा खाओ बोल 10 गो सिंगाड़ा पेक, और जहाँ पहले खाना अगर बीवी का मिला माटी खाओ बोले टोकरी माटी पेक, पूछेगा चाचा मिल दो ना सुन जो कहते लड़का पागल बेटा डिम डम उसको क्या पता, तीन प्लेट खाया अगर डिम डॉम नहीं करे चल दिया, एगो पूछे चाचा मिल दो ना सुन मिनकी बोल घर में कोई नहीं हो खाली बुढ़ी है वो चल, हम बोले खनवाट में बुढ़िया कहाँ गए अजब बहाना हाँ, और पहले मिलाद बाद में खाना 10-11 बजते बजते उफ सलार के गो मौलाना हो रे साला सलार दू गो मौलाना मचल हो साला करना शुरू कर देता है सलार दुगो मौलाना खन हो 12-1 बज तो रतिया रतिया। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, चूंकि सब भाइयों ने मिल करके सब बेटों ने मिल करके माँ के नाम, बस यही औलादों का हक बनता है कि माँ बाप अगर है तेरे घर में
तो कसम खुदा कि तुम्हारे घर में बहुत कुछ है। सबसे बड़े पीर माँ बाप है, उनसे दुआ लो। हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, दुआ कर दीजिएगा। हम बोले दुआ तू माँ बाप से करा, बाद में मेरे पास आ। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के चक्कर में डेढ़ डेढ़ महीना पागल है। पीर साहब आ गए, अरे बाप हजरत हजरत हजरत, आगे पीछे काजू किशमिश छोहरा गड़ी बादाम। बोला क्या कहता है, अखरोट कुटी खाओ से उसको भी देता है। अरे बाप को कभी गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने दी। अरे हजरत को खिलाओ ना, कौन मना करता है, लेकिन माँ बाप को खिलाओ जिनके बारे में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं वालिदैन की दुआ गारंटी कबूल होती है। उनसे दुआ करा, हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया भयात बे नमाजी गोदाम एक ढोका पानी में क्या होगा। अजब हाल अजब रंग है। इसलिए याद रख, माँ बाप अगर है तो खिदमत कर, क्योंकि मेरा अकीदा है मरने के बाद जो कुछ हम करते हैं ये उस रूहों तक रूह तक पहुंचता है। इसाले सवाब जो हम करते हैं ये सुन्नी बरेली मसले के आला हजरत का अकीदा है। हम जैसे जो कर रहे हैं ये पहुंचता है। इसलिए नौजवानों अभी वक्त बचा है, टाइम है, माँ बाप अभी चलता फिरता है, कुछ खिला लो। अच्छा इतने लोग बैठे हो, इतने लोग बताइए, इतने लोग बैठे हो आपके भरकट्टा बाजार, भरकट्टा नहीं है ना, बाजार जाते हैं अभी सबसे सस्ता फल में देखिएगा ठेला में इतना बड़ा बड़ा सेब 80 रुपया 100 रुपया किलो देता है। कभी तौफीक हुई कि 1 किलो सेब ला के बाप के हाथ में दे दे या माँ के हाथ में दे दे, माँ ये सेब खाना 2-3 दिन रख के दुआ करना, माँ हम कल जा रहे हैं धनबाद की बोकारो या टाटा या फिर कलकत्ता या फिर जा रहे हैं गुजरात बॉम्बे। नहीं कभी बेटा तौफीक नहीं हुई, इतना ठंडा आ गया, तौफीक हुई कि 1 किलो डब्बा बाप को ला के दे दें, बाबा तू इस चौवन परास को खा के गर्म पानी पीज के सोइए आराम कीजिए, हम कमाएंगे तू दुआ करना। तौफीक नहीं होती है। जिस माँ ने तेरे लिए हाँ चल मैं मिठाई बांध के ला के खिलाई, कभी तुमने माँ के तरफ ध्यान नहीं दिया। तेरी माँ ने मूढ़ी ला के बांध के खिलाई, कोई देता था माँ नहीं खाती थी, बाप बाजार से गुजरता था, वहाँ पॉकेट में पैसा होता, भूख होता, लेकिन फिर भी बाप नहीं खाना खाता। मेरा बाबू मेरा लाल भूखा होगा, हम उनको लेके जाएंगे। लेकिन मुसलमानों आज यही नौजवान जब ससुराल जाने लगेगा, अरे बाप वो स्टाइल, सैलून घुसेगा 150 रुपया सैलून वाला फेस वॉश फेरन लवली छील छाल के निकलेगा, लगता सुपर स्टार महाराज निकला। गाड़ी पहुंचेगा 1.5 घंटा, मियाँ बीवी दोनों बैठा सीधे भरकटा बाजार, जाके ठेला के सामने गाड़ी रोका, ए फल वाला बढ़िया क्वालिटी फल, ससुराल जा रहे हैं 1 किलो पेक पेक, जिंदगी में घर नहीं लाया 1 किलो से माँ के लिए, ससुराल जा रहा सास के लिए 1 किलो सेब पेक, 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तक बीवी पीछे से कहती है, बोले हमर मैया सिंगाड़ा खाओ, बोले 10 गो सिंगाड़ा पेक। सिंगाड़ा की गाने चीज है। हमर मैया माटी खाओ, बोले एक टोकरी माटी पेक। बीवी जो कहते लड़का पागल, उसको क्या पता, तो ले जा कौन मना किया, लेकिन पहले उस माँ बाप को खिलाओ जिनके बारे में आका फरमाते। एक सहाबी गए कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने वालिदैन को कंधे पे बैठा के मक्का ले गया, पैदल चला फिर हज कराया फिर पैदल घर आया, या रसूल अल्लाह ये सिलसिला 7 बार हुआ, क्या मैं माँ बाप का हक अदा कर दिया। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जब तुम पैदा हो रहा था उस वक्त जद का कितना झटका लगा था, उस एक झटके का तूने हक अदा नहीं किया। बताओ मुसलमान। तो गाइज ये वीडियो थी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, है ना, माँ बाप से रिलेटेड भी थी और बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के अंदर, काफी ज्यादा कॉमेडी भी थी इसके अंदर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ऑब्वियस लगी होगी क्योंकि आप लोगों ने इतने ज्यादा रिकमेंड करके रखी हुई थी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में गाइस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।